हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी, भरवा शिमला मिर्च। इस रेसिपी को मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इस सब्जी को बनाने में थोड़ा अटरम शटरम जरूर है, पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इस रेसिपी को मिनटों में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस सुपर डिलीशियस स्वाद से भरी सब्जी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए 400 ग्राम शिमला मिर्च, जिन्हें मैंने अच्छे से धो के लिया है, काटने के बाद बिल्कुल ना धुले। फिर हम शिमला मिर्च के ऊपर का डंडी वाला पार्ट निकाल देंगे, जिससे इसमें बड़ा सा होल हो जाएगा, ताकि स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से और आसानी से इसमें हम फिल कर सकें। साथ में हम शिमला मिर्च के बीजों को भी निकालते जाएंगे। इन्हें निकालना बहुत इजी है। शिमला मिर्च को किसी प्लेट में हल्का सा टैप कर दीजिए, सारे बीज बाहर। यहाँ पर हमारे सारे शिमला मिर्च तैयार होके स्टफिंग का वेट कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं स्टफिंग को भी। सबसे पहले हम किसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तो उसमें हम 1/4 चम्मच काले सरसों के दाने डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 4 हरी मिर्च बारीक काट के, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक। सारी चीजों को हम एक साथ कढ़ाई में डाल देंगे और सारी चीजों को हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को हम पूरा नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कच्चा रखेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस हमें उतना ही चाहिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हींग। हींग ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे हींग का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। फिर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 4 से 5 उबले हुए आलू। आलुओं को हम 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भूनेंगे। आलुओं को मैंने बड़े टुकड़ों में मैश करके लिया है। ऐसा करने से आलू का जो मसाला है बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा भुनेगा। आलुओं को फ्राई करते करते साथ के साथ और मैश करेंगे, और पहले से ही आलू को मैश करने से वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं भुन पाता। सारे आलू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से भूनना काफी ट्रिकी हो जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। इन दो चीजों से सब्जी का जो टेस्ट है वो दोगुना बढ़ जाता है। फिर इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। सारी चीजों को मिला के आलूओं को हम 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। आलू का चटपटा मसाला तैयार है, चलते हैं इसको फिल करने के लिए। मसाला यहाँ पर थोड़ा सा गर्म है, पर मैं गरम गरम ही भर दूंगी, पर जो बिगनर है वो थोड़ा सा वेट करके इसको ठंडा कर ले, या पहले स्टफिंग को तैयार कर ले फिर शिमला मिर्च को काट के तैयार करे। इससे मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और आपको भरने में आसानी होगी। मसाले को हम अच्छी तरीके से दबा दबा के शिमला मिर्च के अंदर भर देंगे, ताकि शिमला मिर्च के अंदर कोई भी स्पेस ना रहे। और यदि आपको शिमला मिर्च खाने का मन है और बिना तामझाम के इसे बनाना चाहते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अक्सर हमारे घर में सब्जियाँ बची जाती हैं, सब्जी आलू या पनीर की ही होनी चाहिए और किसी की नहीं। यदि सूखी सब्जी है तो उसे अच्छे से हम मैश करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला के और शिमला मिर्च में भर देंगे और शिमला मिर्च को सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यदि रसे वाली सब्जी है तो उसके रसे को हम निकाल के सारी सब्जी को मैश करके सारी चीजों को एक साथ मिला के 1 से 2 मिनट के लिए उसे हम भून लेंगे। ये लीजिए, तैयार है टेस्टी सी स्टफिंग। यहाँ पर सारे शिमला मिर्च को भर के मैंने तैयार कर लिया है। फिर हम सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को फिर से गरम करेंगे और कढ़ाई को थोड़ा सा शेक करते हुए तेल को चारों तरफ से फैला देंगे। फिर शिमला मिर्च को एक एक करके सारे शिमला मिर्च इसमें हम रख देंगे। फिर इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सेम इसी तरीके से लगभग 2 से 3 बार इसे हम कवर करके 2-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, पर इसे अभी हम खोलेंगे नहीं। कढ़ाई को दोनों साइड से केयरफुली पकड़ के कढ़ाई को चारों तरफ से घुमाएंगे, ताकि शिमला मिर्च के चारों तरफ से तेल कोट हो जाए। फिर इसे हम खोल के दूसरी साइड की तरफ से भी इन्हें पलट देंगे। जो साइड हरा हो बस आप उसे ही पकाते जाएं। सारे शिमला मिर्च को पलटने के बाद फिर से इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए और पकने देंगे।
दो मिनट बाद फिर से हम खोल के सेम तरीके से पलट देंगे। जो साइड सिकती जाएगी उसे हम ऊपर कर देंगे और जो हरे होंगे उसे हम नीचे करते जाएंगे। और एक बार फिर से इसे हम कवर करके दो मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट बाद फिर से मैं इन्हें चेक करूंगी। शिमला मिर्च लगभग हमारे 50% पक चुके हैं और बचे हुए 50% को बिना ढके ही हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को चारों तरफ से पलटते हुए मैं डार्क ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। बीच में मैं इन्हें चाकू से चेक करूंगी। चाकू को शिमला मिर्च में लगाते ही यदि वो तुरंत अंदर चला जाता है तो शिमला मिर्च बनके हमारे तैयार है। यदि चाकू प्रेस करने से जाता है तो शिमला मिर्च को हम 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। अगर शिमला मिर्च थोड़ा सा भी कच्चा है जब उसे हम प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा पानी पानी सा लगता है, जो खाने और देखने दोनों में नहीं अच्छा लगता। इसलिए शिमला मिर्च को हम प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे। टोटल इन्हें फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगे हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च बनके तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठा, चपाती या दाल चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। यकीन मानिए एक बार यदि आप इसको बनाएंगे तो बिना खाने के ही ऐसे ही खा जाएंगे इसे। ये इतनी स्वादिष्ट लगती है जैसे हम टिक्की खाते हैं ना, सेम वैसे ही इसका स्वाद होता है। यदि आपको इस सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर दें और ऐसी ही मजेदार रेसिपी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।